तो दोस्तों मेन चीज़ जो है यहाँ पे देखने वाला है, जो कि सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी लगा है दोस्तों। और यहाँ पर अभी अंदर की ओर आप लोग आ सकते हैं, आके देख सकते हैं कि कितना सुंदर फोटो यहाँ पे बना हुआ है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि ये आप लोगों को पहले बताया था कि पार्ट टू है हमारा, ये जो कि पायलट बाबा यहाँ पे पहुँचे थे, ये हमारा पार्ट टू है। और किसी ने पार्ट टू नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, जाइए और पार्ट वन पहले देख लीजिए, क्योंकि हम लोग जो है वो डेहरी ऑन सोन में रहते हैं और डेहरी ऑन सोन से यहाँ पायलट बाबा की जो भी रास्ता है वो एक एक पार्ट आप लोगों को आने का रास्ता जो है एक्यूरेट बताया हूँ उस वीडियो में। तो इसीलिए जो भी डेहरी ऑन सोन में रहता है, इसलिए जिसे भी मतलब आना हो तो एक एक रास्ता और बीच में जो भी हम लोग का एंजॉयमेंट हुआ था वो आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक वहां पे दिया हुआ है, नहीं तो आप चैनल पे क्लिक करें, वहां से वीडियो में आप जाके पार्ट वन जो है वो ये पायलट बाबा आने का जो हम लोग का एंजॉयमेंट है, हम और अमरजीत आए थे, वो आप लोग जाकर वहां से एंजॉय कर सकते हैं, उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। और जो भी पार्ट वन देख लिया है तो उसके लिए मैं धन्यवाद चाहता हूँ, आप आइए और पार्ट टू यहाँ पे देखिए। और अब हम लोग देख सकते हैं पायलट बाबा जो है यहाँ पे अभी बाहर की तरफ खड़े हैं, शाम के इवनिंग के 5:30 से ऊपर हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ और आप लोगों को एक एक चीज जो है यहाँ के बारे में आप लोगों को सारा मतलब विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। तो चलते हैं अंदर की तरफ और आप लोगों को मिलवाता हूं सारे से। अंदर की ओर जो है यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे जो है वो गणेश जी का मूर्ति है और बगल में जो है लक्ष्मी जी का मूर्ति है। इसके बाद हम लोग अंदर की ओर आते हैं और अंदर आप लोगों को और अब दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, बोलो। तो हम लोग आगे देखिए बढ़े हैं तो आगे जो है यहाँ पे जय माँ काली है, काली जी का मूर्ति है, यहाँ पे देख सकते हैं फुल यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखिए व्यू। इसके बाद जैसे ही आप लोगों को दोस्तों यहाँ की आप लोगों को खास बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है एक तो सुबह जो है सुबह या मॉर्निंग आप लोग या इवनिंग में भी आ सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को भीड़ से भी यहाँ पर पता चल रहा होगा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ढेर सारे आदमी लोग आए हैं यहाँ पे घूमने वगैरह का, या पार्किंग वगैरह का भी व्यवस्था है। आप लोगों को जैसे आने का सुविधा है यहाँ पे आइए। और इसके बाद यहाँ पे अंदर की ओर जिस तरह से मतलब यहाँ का जो है एक खासियत आप लोगों को बताऊँगा कि जैसे जैसे यहाँ पे अंदर की ओर आइएगा यहाँ पे सारे भगवान का दर्शन होंगे। फ्रेंड आप लोगों को घूमने के लिए या भगवान का दर्शन करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड व्यू कि अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे दिखा दूँगा कि जो कि बुद्ध भगवान है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग व्यू जो है बढ़िया से यहाँ पे दिखाइए यहाँ पे कि बुद्ध भगवान का यहाँ पे मूर्ति दिया हुआ है। इसके बाद जो है इसके जस्ट पीछे आप लोगों का व्यू जो है ये आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पीछे की तरफ देखा है तो जैसे ही आप लोग इसके जस्ट सामने देखेंगे इसके तो यहाँ पे देख सकते हैं दो गजा है हाथी है। इसके बाद ऊपर जो है वहाँ पे सामने जो है वो देख सकते हैं आप लोग जो शिवलिंग दिया हुआ है। और एक मस्त आप लोगों को गुफा दिखाऊंगा जो कि थोड़ा आगे है। तो जैसे ही आप लोग आगे कोई और जाएंगे तो वहाँ पे एक गुफा देखिए, देखो वहाँ पे एक गुफा भी है, वहाँ का व्यू जो है आप लोगों को पास से जाके थोड़ा दिखाऊंगा। थोड़ा जूम कर लो, जूम करने के बाद यहाँ पे जो है सामने का गुफा देखिए। और एक और यहाँ पे स्थल दिखाऊंगा जो कि यज्ञ करने के लिए के भी बहुत बढ़िया साधन है। और एक सामने यहाँ पे देख सकते हैं तालाब है, जो कि तालाब में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे शिवलिंग टाइप के बने हुए हैं जो कि यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह होता है यहाँ पे। और जो कि अभी जो है इसमें जो है दोस्तों की कारीगरी जो है वो लगा हुआ है, काम वगैरह भी लगा हुआ है। आने वाले दिनों में चलते थे आने वाला दिनों में जो है बहुत ही मतलब विस्तार यहाँ पे बन सकते हैं। एक बार जो है ये सामने का जो व्यू है इसका बैकग्राउंड यहाँ पीछे वाला दिखाओ, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं जो कि शंकर जी का जो आप लोगों को पीछे का जो व्यू है ये आप लोगों को दिखाऊंगा जितना ऊंचा है।
बहुत ही ऊंचा है दोस्तों, हम लोग को एकदम ऊपर सिर उठा के देखना पड़ रहा है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे आप लोगों को मंदिर वगैरह देखिए और मंदिर वगैरह भी मिलवाता हूँ। तो आगे की ओर हम लोग आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अभी थोड़ा ही आगे जैसे है कि हम लोग बढ़े हैं तो यहाँ पे देखिए कि काली माँ भी हैं और यहाँ पे जो है सारे भगवान, मतलब सारे भगवान की मूर्ति है। यहाँ पे ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं आप लोग विस्तार से कि काम वगैरह यहाँ पे शोरों शोर से मतलब लगा हुआ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को डेहरी ऑनसन के जो भी यहाँ पे निवासी हैं उन लोग को यहाँ से कम दोस्तों 13 से 15 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं घूमने का। जो है स्थल यहाँ पे बहुत बढ़िया है जो कि पायलट बाबा के नाम से है सासाराम, यदि किसी को भी बोलिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा और उसे वो मतलब टेम्पो वगैरह या अपना भी कोई भी साधन हो तो आप लोग आ सकते हैं घूम के। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और आप लोगों को बहुत ही बढ़िया जो कि यहाँ पे बुद्ध भगवान है विशाल, जैसे कि आप लोगों को आगे मिलवाया हूँ उसी तरह से आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँगा आगे, जो कि बुद्ध जी हैं वो भी गोल्डन कलर का बहुत ही सुंदर है। आगे देखते हैं, आइए। तरफ थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि आप लोग सामने देख सकते हैं जो कि यहाँ पे काम वगैरह भी जोर जोर से लगा हुआ है। और हम लोग यहाँ पे आते हैं जो कि भैरव भैया हैं, यहाँ पे देख सकते हैं भैरव बाबा हैं जो कि उनकी मूर्ति जो है बनी, नीचे जो है वो तो बन चुका है लेकिन ऊपर वाला थोड़ा अभी पेंट वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे की तरफ थोड़ा देखते हैं, पहले तो ये आप लोगों को सीन यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि जो कि नवरात्र का दिन है और यहाँ पे देख सकते हैं आप दुर्गा माँ का जो है मूर्ति यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पर जो है वो कलशा वगैरह भी जो है आप लोग देख सकते हैं कि कलशा वगैरह भी है। वो एकमी दोमी जो है वो पूरा यहाँ पे पूजन वगैरह भी होता है, गणेश जी का भी मूर्ति है आप लोग देख सकते हैं। और आता हूँ थोड़ा सा और बाबा वगैरह से भी आप लोग को मिलवाता हूँ और थोड़ा बातचीत करते हैं दोस्तों। तो आइए सकते हैं यहाँ पे कि कलशा के पास हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और जो है पंडित जी से थोड़ा बात करेंगे और इसके बारे में थोड़ा बताएंगे जी। जय माता दी। तो यहाँ पे जो है हर एक साल कलशा वगैरह हर एक साल यहाँ पे रखाता है जी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो घूमने का स्थल है वो कि बहुत ही मतलब सुना हुआ हूँ कि जो भी बिहार में जो है वो पॉपुलर जगह होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं काम वगैरह भी जोड़ों से होने वाला है और ये बगल में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी ये क्या चीज़ का मतलब है? ये अभी सोमनाथ देव का मंदिर बन रहा है, अभी जुलाई में इनका उद्घाटन भी होने वाला है। इस यहाँ से बनारस और गया तक लेकर ऐसा मंदिर अभी मतलब इधर नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो कि बिहार में यहाँ पे बनारस से लेकर गया तक यहाँ पे जो ये मंदिर जो है ये अभी फर्स्ट बन रहा है, जो कि यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर बनने वाला है दोस्तों यहाँ पे, जो कि सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन थोड़ा डेट वगैरह हो गया है क्या उद्घाटन का? नहीं अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है लेकिन बहुत जल्दी हो चुका है काम। आप लोग कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं बैक साइड, थोड़ा यहाँ पर काम जो है बहुत ही तेज़ी से ज़ोरों से यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर घूमने वगैरह भी बहुत लोगों भी आ रहे हैं। और थोड़ा यहाँ के बारे में जो है वो थोड़ा आप लोगों को और भी बताऊँगा थोड़ा पापा से यहाँ पर मिल रहे। तो यहाँ ये बुद्ध भगवान का मतलब कब से है स्थापित? लगभग हो गया 8 साल से। 8 साल कम से कम हो गया। कौन? नीतीश कुमार ही है। हाँ नीतीश कुमार की। हाँ नीतीश कुमार के द्वारा स्थापना यहाँ पे हुआ था। 8 साल लगभग हो चुका है। हाँ थोड़ा आप लोग अभी देख सकते भी हैं यहाँ पे काम होगा। ठीक है बाबा। ठीक है। जय माता दी। जय माता जी बाबा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे सारे मूर्ति यहाँ पे है, राम जी हैं बगल में, कृष्णा जी हैं और बुद्ध भगवान भी है। इसके बाद जो है सामने का लुक आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो कि विशाल यहाँ पे देख सकते हैं, विशाल जो है बुद्ध जी है यहाँ पे फुल, यहाँ पे आप लोगों को वीडियो यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे सामने विशाल जी ये दिखाओ यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो कि विशाल यहाँ पे बुद्ध जी का फोटो आप लोगों को फुल यहाँ पे पूरा एकदम दिखाऊंगा HD में। इसके बाद आप लोगों को अंदर जाऊंगा और अंदर जाकर यहाँ का पूरा सीन आप लोगों को बढ़िया से दिखाऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उद्घाटन करता जो है माननीय श्री नीतीश कुमार जी है, जो कि मुख्यमंत्री बिहार के हैं। और यहाँ पे स्थापना की जो कि आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं लिखा हुआ है, जिसका उद्घाटन 22/1/2018 दिन सोमवार बसंत पंचमी के दिन यहाँ पे जो है स्थापना हुआ है। अंदर का जो है बुद्ध जो बुद्ध जी आप लोगों को यहाँ पे दिखाया हूँ वो जी कम से कम 80 फुट का यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 80 फीट का जो है ये बुद्ध जी आप लोगों का है। अंदर का सीन जो है वो आप लोगों को अब चल के दिखाता हूँ, पहले जो है ऊपर का ब्लॉक जो है वो ऊपर का जो सीन है वो आप लोगों को सारा दिखा दे हूँ। अब चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर आप लोगों को एक एक भगवान का दर्शन करवाऊंगा दोस्तों। दोस्तों तो देख सकते हैं हम लोग अंदर की तरफ आ चुके हैं और आप लोगों को जो है ये 80 फीट जो बुद्ध भगवान जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 80 फीट है, माननीय हमारे बिहार के सरकार जो नीतीश कुमार जो है यहाँ पे आए थे और इनका उद्घाटन कर रहे थे 2018 में। अब मैं आप लोगों को चारों को यहाँ चारों तरफ का जो है व्यू दिखा दूँ, जो कि यहाँ पे बुद्ध भगवान के जब भी मतलब यहाँ पे देख सकते हैं जो पेड़ के नीचे यहाँ पे किए थे यहाँ पे सारा आप लोगों को विस्तार से फोटो जो है ये बनाया हुआ है कि जो कि मतलब बुद्ध भगवान के साथ जो भी घटना हुई थी, जो भी मतलब उन्होंने किया था वो सारा यहाँ पे देख सकते हैं आप।
कि यहाँ पे जो है वो फोटो जो है वो बना हुआ है। आप लोग सामने भी देख सकते हैं महायोगी जो कि पायलट बाबा, महायोगी पायलट बाबा जो कि नेम लिखा हुआ है। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बुद्ध भगवान का जो कि एक एक लुक का जो भी यहाँ पे मतलब जैसे जैसे वो यहाँ पे देख सकते हैं पानी में बैठे हैं, यहाँ पे जो है अपने शिष्यों को जो कि जिन्होंने मतलब बुद्ध भगवान के बारे में जो भी मतलब पढ़ा वगैरह होगा तो वो वही सारा मतलब यहाँ पे जो है फोटो वगैरह बना हुआ है। और यहाँ का भीड़ की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग भीड़ भी देख सकते हैं, शाम के जो है वो 6 बज चुके हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वो भीड़ है। और आप लोगों को टाइम बता दूँ तो सुबह के 7 बजे से लेकर शाम का 6 बजे तक टाइमिंग है, लेकिन क्योंकि अब जो है वो बंद भी होने वाला है और यहाँ पर गार्ड वगैरह भी जो है वो सिटी वगैरह भी मारने वाला है, इसलिए आप लोगों को जल्दी जल्दी सारा व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों। और इसके बाद आप लोगों को बताऊँगा आगे की ओर, ठीक है। कि पहले जो है ये सारा गोल जो है ये यहाँ पे देख सकते हैं बुद्ध भगवान का जो ये पीछे का लुक है, इसके सामने जो भी यहाँ पे सर्कल वगैरह दिया है जितना सीन है वो आप लोगों को सारा आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ जो है वो सीन वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर दोस्तों यहाँ पे चित्र मतलब जो है बनाने वाला आर्टिस्ट का भी दोस्तों धन्यवाद करना चाहूँगा, कितना सुंदर जो है कला यहाँ पे बनाने का यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे पीछे की ओर जो है आप लोग देख सकते हैं कि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है सोमनाथ मंदिर का, जो कि अभी बाबा आप लोगों को बताए थे इसके बारे में, पंडित जी भी बताए थे। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 80 फीट यहाँ पे बुद्ध भगवान है। अब हम लोग यहाँ से दोस्तों चलते हैं बाहर की ओर, और बाहर भी जितने भी आप लोगों को भगवान है वो सारे भगवान का जो कि यहाँ पे शिव जी भी आप लोगों को दिखा दिया हूँ बाहर वाला, लेकिन अंदर में भी एक शिवलिंग है वो भी आप लोगों को जाता हूँ, और अंदर की तरफ जो कि है वो भी आपसे उन्हें से भी आप लोगों को दिखाता हूँ। और कैसा लगा ब्लॉग जो है वो भी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है, इन्जॉयमेंट कितना आया वो सारा दोस्तों यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अब हम बुद्ध जी के द्वार से मतलब बाहर निकल चुके हैं, और सामने की तरफ जो है वो आप कंस्ट्रक्शन जो आप लोगों को बताया वो सारा आप लोगों को दिखा सकता हूँ। और ये जो सामने की तरफ देख सकते हैं जो कि भारत माता का फोटो है, और सामने जो देख सकते हैं वहाँ काली माँ का है, वो आप लोगों को पास से चल रहा हूँ और पास से आप लोगों को सारा दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अभी अंदर की ओर ही अमरजीत भी अंदर ही आए तो उन्हें उसे भी ले लेता हूँ और चलता हूँ आगे दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि इवनिंग का टाइम हो गया है, शाम भी हो चुका है, बहुत लोग जो है यहाँ पे जाने वाले भी हैं, जाने भी लग रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काली माँ का फोटो है, और इसके बाद जो है ये जो आप लोगों को येलो कलर का मंदिर बताया जो कि सोमनाथ मंदिर है, जिसका अभी ये यहाँ पे उद्घाटन भी होने वाला है। और यहाँ पे जो बात करूँ तो देख सकते हैं आप गांधी जी हैं, और यहाँ पे भारत माता हैं, और ये तो आप लोगों को दर्शन करवा दिया ही यहाँ जो कि बुद्ध भगवान है 80 फीट। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं महान से महान जो है कबीर जी वगैरह भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मेरे को नाम तो नहीं पता है, लेकिन आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर जो है ये बुद्ध जी का जो कि जितना भी तस्वीर वगैरह कला वगैरह जितना भी बनाया था ये आप लोगों को सारा बता दिया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे मूर्ति ऐसे भी हैं जो कि अभी पेंट वगैरह भी नहीं हुए हैं, और मतलब काम जो है वो जोरों तोरों से लगा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे मतलब आने वाला टाइम में दोस्तों यहाँ पे जो कि सासाराम में यहाँ पे पढ़ने वाला है, और यहाँ पर जो है पॉपुलर जो है प्लेस जो है वो बन जाएगा कम से कम। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पर थोड़ा गार्डन वगैरह टाइप का मतलब जू टाइप का मतलब थोड़ा बनाया है, जो कि यहाँ पे खरगोश वगैरह है और हंस वगैरह भी हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं मतलब ढेर सारे पक्षी वगैरह जानवर वगैरह भी है जू टाइप का भी यहाँ पे मतलब घूमने के लिए बनाया हुआ है, जो कि यहाँ का आप लोगों को नाम ही बता देता हूँ जो कि नाम यहाँ पे हाँ जू के नाम से है ही, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे जू ही है, और खरगोश है, कबूतर है, हंस वगैरह मतलब पक्षी वगैरह का भी जू है यहाँ पे, जानवर तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ जो छोटे मोटे खरगोश है वो खरगोश तो अभी देखने को यहाँ पे मिला है। और इसके बाद हम लोग आगे की ओर आते हैं, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो कि कैलाश निवास है, यहाँ पे रूम वगैरह जो भी बाहर से टूरिस्टर वगैरह यहाँ पे यदि घूमना चाहते हैं यदि रहना भी चाहते हैं उन लोग के लिए यहाँ पे जो है प्लेस भी बन रहा है, रहने का भी व्यवस्था यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे अन्नपूर्णा धाम जो है आगे की आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे लाइट जो है वो अभी चली गई है। और आगे की तरफ आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं जो कि अन्नपूर्णा धाम भोजनालय भी है, जो कि यहाँ पर भोजनालय भी है जो यहाँ पर खिलाया वगैरह भी जाता है। हम लोग तो यहाँ पर कम से कम 3 साल 4 साल पहले भी आए हुए थे, और एक बार जो है यहाँ पे भोजन वगैरह भी मतलब चला था जो कि प्रसाद के रूप में यहाँ पे बटाता है। और हम लोग थोड़ा आगे की ओर जाएंगे और आगे से भी आप लोगों को सारा व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों। मर्जी तो पता नहीं दोस्तों कहाँ घूम रहा है,
यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कितना यहाँ पे सुंदरता दोस्तों बहुत बढ़िया है। यदि जो भी यहाँ पे बिहार में रह रहा है तो यहाँ पे आ सकते हैं और आके यहाँ पे घूम सकते हैं। घूमने का जो प्लेस है वो बहुत बढ़िया यहाँ पर है, पायलट बाबा के नाम से है, जो कि सासाराम में स्थित है। यदि जो भी हम लोग जो है वो डेयरी के निवासी हैं, जो भी डेयरी से यदि यहाँ पर आना चाहता है, जो कि रास्ता नहीं देखा हुआ है, तो यहाँ पर आइए और फर्स्ट ब्लॉक जाके यहाँ पर जो इसका पार्ट वन जो है, पायलट बाबा का पार्ट वन जो है, उसमें सारा रास्ता वगैरह जो है सारा बना हुआ है। जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिलेगा और जाकर वहाँ पे आप लोग वीडियो देख सकते हैं। वहाँ आप लोग देख सकते हैं जो कि सोमनाथ मंदिर जो है वहाँ का अभी पूजा वगैरह चल रहा है, इसीलिए हम लोग अभी उधर तो मतलब बैरियर लगा हुआ है, इसीलिए वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आते हैं और आगे जो है सारा यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मस्जिद अभी मिला है। क्या गो सेल्फी लिया? बहुत सारा सेल्फी वगैरह ले लिया है। और अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, इवनिंग भी हो चुका है और हम लोग को घर भी जाना। टेम्पो वगैरह मिलेगा? मिलेगा। अब तो जाते वक्त यहाँ पे पता चलेगा बाहर। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा और कुछ कुछ सीन यहाँ पे दोस्तों बचा हुआ है और हम लोग चलते हैं और वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ और इसके बाद जो है वो ब्लॉग एंड करूँगा। तो ब्लॉग पे बने रहे हैं, कैसा लगा ब्लॉग वो कमेंट पे जरूर बताना है दोस्तों। और चैनल पे यदि पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिन में बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों को, एन्जॉयमेंट वाला भी ब्लॉग आप लोगों को ढेर सारा लाऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम लोग आगे की ओर बढ़े और यहाँ पे देख सकते हैं पंचमुखी हनुमान जी है और उन्हें के बगल में कान्हा जी और राधा जी का जो है वो मूर्ति कितना सुंदर दोस्तों लग रहा है। तो आप लोगों को यदि मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, यदि जो भी यहाँ पे नहीं आया है तो यहाँ पे का जो है वो आप लोगों का आने का रास्ता वगैरह का भी फर्स्ट वीडियो यहाँ पे डाल दिया हूँ और आइए और आके जरूर घूमिए। यहाँ पे देख सकते हैं पंचमुखी हनुमान जी कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, और राधा और कृष्णा जी का जोड़ी तो सभी लोग जानते हैं और एक बार जो है सामने से भी आप लोग देख लीजिए जो कि कितना सुंदर जो है। कलाकार को मैं सलामी करूँगा जो कि इतना सुंदर जो है वो यहाँ का जो है मूर्ति वगैरह बनाया है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि दो जो है वो सिंह हैं और इनके बगल में जो है वो जस्ट आप लोग देख सकते हैं जो कि अभी बन ही रहा है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को बताया जो कि येल्लो मंदिर जो है ये हमारा सोमनाथ मंदिर है, जो कि इनका अभी उद्घाटन यहाँ पे नहीं हुआ है कुछ ही, जैसे पंडित जी भी आप लोगों को बताए थे कि कुछ ही दिनों में या महीनों में यहाँ का उद्घाटन भी होने जा रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो ये आप लोगों को बांस वगैरह के पीछे जो है ये दिख रहा है, ये हमारे शायद मेरे को भी सही से समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है दोस्तों यहाँ पे मेरे को पंचमुखी हनुमान जी ही लग रहे हैं, लेकिन जो है उन्हें उनके बगल में जो है ये तो मेरे को क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है ये शिव जी हैं और उनके बगल में जो है वो भी मेरे को शायद तो शायद दोस्तों यहाँ पे जो है बगल में जो है ये शिव जी हो गए और ये ब्रह्मा जी और बीच में जो है ये विष्णु जी हैं, मेरे को आप लोगों को बता दिया। और मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जो है इन हाँ यहाँ पे तीनों ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो है वो साथ में यहाँ पे मूर्ति बन रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आगे यहाँ पे मूर्ति जो है ये हो गया शिव जी का। और यहाँ सोमनाथ मंदिर का जो कि स्थापना जो है ये हो चुका है और कुछ ही दिनों में या महीनों में जो है इनका उद्घाटन भी होगा। और सामने ही जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वो एंट्री है और हनुमान जी है और यहाँ पे देख सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का जो है वो साथ में यहाँ पे दिया हुआ है। और आप लोगों को आगे दिखाता हूँ जो कि मतलब कुछ जो है यहाँ पे शेर वगैरह तो अभी रंगे नहीं है और कुछ हाथी वगैरह भी आके है वो भी रंगे है। अब दोस्तों थोड़ा अंदर की तरफ आप लोगों को अभी तो बना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अंदर से कुछ जो है वो व्यू यहाँ पे जाता हूँ और जाकर भी दिखाता हूँ जो कि अंदर में यहाँ पे सोमनाथ मंदिर जो है वो इनका जो है निर्माण यहाँ पे बन चुका है। तो हम लोग आते हैं दोस्तों यहाँ पे अंदर की तरफ, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप लोगों को बहुत चोरी से मतलब दिखा रहा हूँ, एंट्री तो मना है दोस्तों, लेकिन आप लोगों को फिर भी अभी जो है कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है तो आप लोगों को जो है इसके अंदर जो है व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। वाह, तो दोस्तों मेन चीज़ जो है यहाँ पे देखने वाला है जो कि सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी लगा है दोस्तों, और यहाँ पर अभी अंदर की ओर आप लोग आ सकते हैं, आके देख सकते हैं कि कितना सुंदर फोटो यहाँ पे बना हुआ है, सो लुकिंग गॉर्जियस। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर यहाँ पे फोटो वगैरह लगा हुआ है, शिव जी पार्वती जी सारे भगवान का मतलब साथ में फ़ोटो, मैं तो दोस्तों फैन हो गया एकदम। पर जो है अंदर की तरफ अभी काम वगैरह भी हो रहा है देख सकते हैं, और थोड़ा गार्ड वगैरह भी हम लोग को भी मतलब बोल रहा है, लेकिन क्या करें आप लोगों को तो यहाँ पे जो अब आया ही हूँ तो व्यू जो है यहाँ पे अभी उद्घाटन नहीं हुआ है सोमनाथ मंदिर का, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो है मतलब रिस्क पे दोस्तों यहाँ पे सारा सीन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अंदर की देख सकते हैं गौ माता भी है और
धीरे धीरे यहाँ पे जो है येलो कलर का मतलब पूरा यहाँ पे सीन दिखाया हुआ है। और ये सीन कैसा लगा दोस्तों, जो कि आप लोगों को डिस्प्ले पे दिख रहा है, इसे कमेंट में जरूर यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे स्विलिंग वगैरह। तो दोस्तों रात भी हो चुका है और हम लोग अभी चलते हैं बाहर की तरफ। यहाँ का जो है सीन तो मेरे को बहुत मतलब, यहाँ का जो फ्रेंड, मैं भी मतलब बहुत कई सालों के बाद यहाँ पर आया हूँ, तो मेरे को भी ये सोमनाथ मंदिर के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब से देखा दोस्तों तभी मेरे को भी यहाँ पे मतलब बहुत ही सुंदर सारे मंदिर से मैं तो मेरे मतलब देखे दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी को बुरा लगे तो मैं यहाँ पे क्लियरली मैं कर दे रहा हूँ कि मेरे को जो है सबसे अच्छा सीन जो है यही लगा है, जो कि सोमनाथ मंदिर है। यदि यहाँ पे जो है जब इसका जो है उद्घाटन हो जाएगा तो इतना सुंदर दोस्तों ब्यूटीफुल मतलब सीन आएगा कि मैं यहाँ पे मतलब कुछ लफ्ज ही नहीं है यहाँ पे कहने का। यहाँ पे देख सकते हैं अमरजीत भी पूरा फोटो पे फोटो, तो इसका रुक नहीं रहा है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, रात भी हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं गौ माता है, शिव जी उधर जो है वो आप लोगों को दिखा दिया। तो अब हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ। जो मेरे को तो मतलब सबसे अच्छा सीन यहाँ का लगा, जो कि ये आप लोगों को मूर्ति यहाँ पर बताऊँ। और बीच बीच में भी देख सकते हैं जितना भी पिलर दिया गया है वहाँ पर सरह के मतलब अलग अलग तरह के मूर्ति वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो भी यहाँ पर डेहरी में रह के या सासाराम में रह के यहाँ पर नहीं घुमा है दोस्तों, तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सुंदर सा झालर है और पूरा ऊपर तरफ है। अभी रात भी हो चुका है इसलिए सीन जो है वो दिख नहीं रहा है। अभी ऊपर भी दोस्तों काम वगैरह लगा हुआ है, तो यहाँ पर जब आ जाएगा तो मैं आप लोगों को फिर यहाँ पर जब उद्घाटन होगा तो मैं फिर के अभी यहाँ पर आऊँगा, यहाँ का सीन जो है वो आप लोगों को फिर से दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे भैया के साथ देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे इंजीनियरिंग मतलब इन्हीं को मिला हुआ है, सारा काम वगैरह यही कर रहे हैं, तो यही हमारे साथ थोड़ा मतलब ले जा रहे हैं कि आप लोग इधर भी आइए। और पेंटिंग वगैरह देख सकते हैं भैया ही कर रहे हैं। तो यहाँ का जो सीन दोस्तों देख सकते हैं अंधेरा है, और यहाँ जो है भैया बता रहे हैं कि अभी जो है सीन वगैरह मतलब यहाँ पे रात्रि के टाइम हो गया है तो अभी बर नहीं रहे हैं, मतलब थोड़ा और पहले आते तो ये भी मतलब खुला था। लेकिन क्या यहाँ पे ये अभी लाइट अभी जला सकते हैं भैया? नहीं, अभी लाइट खराब है आज। ओ, अभी खराब है। हाँ, आज खराब है लाइट। तो मतलब बहुत ही सुंदर यहाँ पे सीन है, जो कि आप लोगों को थोड़ा अंधेरा टाइप का लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अमरजीत से कहूँगा अमरजीत फ्लैश थोड़ा जला दे भाई। ये देख सकते हैं फ्लैश वगैरह जला दिया है और यहाँ का सीन देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। और इधर देख सकते हैं पेंट वगैरह मतलब रखा हुआ है ढेर सारा। यहाँ देख सकते हैं गणपति जी हैं और यहाँ पे राम जी कृष्ण जी जो कि यहाँ पे शिवलिंग का पूजा कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे शिव जी हैं आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी यहाँ पे दोस्तों नहीं आया है तो कोई भी मिस नहीं करेगा, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आया तो मेरे को तो बहुत ही सुंदर लगा दोस्तों। क्योंकि अब यहाँ पे तो थोड़ा दिखा सकते हैं आप लोगों को, जो कि लाइट वगैरह बड़ा है, ये देख सकते हैं सामने की तरफ जो कि शिव जी का, यहाँ पर शिव जी और पार्वती जी साथ में हैं। ये दोस्तों सीन देखिए मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कितना सुंदर मतलब ब्यूटीफुल यहाँ पर सीन है, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और आगे की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भैया लोग जो है वो रिपेयर वगैरह कर रहे हैं, और ये जो है अभी पेंट वगैरह भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ आगे की तरफ अब हम लोग जो है वो सारा सीन आप लोगों को दिखा दिया हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं हम लोग बाहर की तरफ। क्या है को फोटो लिया? क्या है को फोटो लिया? बहुत सारा फोटो लिया। अब हम लोग बाहर की तरफ, भैया वगैरह भी मतलब बोल रहे थे कि अभी क्योंकि उद्घाटन भी नहीं हुआ है और हम लोग जो है मतलब शूट वगैरह कर रहे हैं, तो थोड़ा बोलना उनका भी काम है, जब उद्घाटन हो जाएगा तब का सीन जो है दोस्तों यहाँ पे जब देखिए, सोचिए जब उद्घाटन नहीं हुआ है तब का सीन आप लोगों को इतना सुंदर मतलब मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब आप लोगों का पता नहीं कैसा लगा, वो तो कमेंट में आप लोगों को बताना है। और जब सोचिए उद्घाटन नहीं हुआ है तब इतना सुंदर लग रहा है, लेकिन जब उद्घाटन हो जाएगा दोस्तों तो कितना सुंदर मतलब बिहार का एकदम चर्चित जगह यहाँ पर पॉपुलर जगह हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों एक मतलब रात भी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं कि रात भी यहाँ पे हो चुका है बहुत ज़्यादा। और हम लोग अभी यहाँ से निकलते हैं, अब गाड़ी वगैरह भी देखना पड़ेगा कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि हाँ। यहाँ पे देख सकते हैं भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति है, और हम लोग अभी यहाँ से निकलने वाले हैं। मतलब यहाँ पर दोस्तों यदि आप लोगों को आते हैं तो यहाँ पे जो है वो सारे भगवान का यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे, लेकिन जो मोस्ट आप लोगों को बताऊंगा कि मतलब कुछ ही दिनों में यहाँ भी कंप्लीट हो जाएंगे सोमनाथ मंदिर। तो आप लोग यहाँ पर आइएगा तो मतलब अभी भी जिसको आना है तो आए और इंजॉय करें, क्योंकि अंदर का सीन जो है मैं आप लोगों को दिखाया बहुत ही सुंदर लगा दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं रात भी बहुत हो चुका है, इसलिए हम लोग अब यहाँ से मतलब चलते हैं। कैसा लगा आज के लिए ब्लॉग दोस्तों, यहीं पे मतलब समाप्त करेंगे थोड़े देर में, क्योंकि अब जो है रात्रि भी हो गया और हमें अब यहाँ से मतलब 15 से 16 किलोमीटर अभी हमें चलना भी है। और मेरा आज का जो ब्लॉग है दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। कैसा रहा ये सीन, ये आप लोगों को देखिए। और
कमेंट में जैसे मतलब जो भी यहाँ पे जल्दी मतलब आया हुआ है वो कमेंट में ज़रूर यहाँ पे बताएगा। तो दोस्तों ज़रूर अब चैनल पे जो भी और पहली बार आया है तो कमेंट जल्दी यहाँ पे सब्सक्राइब दोस्तों सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ाइए। और वीडियो जो है आज के लिए यहीं पे एंड करूँगा क्योंकि रात भी हो चुका है और मुझे अब डेयरी ऑन से उनके लिए दोस्तों निकलना भी होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं बाहर की तरफ जो है वो शॉपिंग वगैरह भी मतलब कर सकते हैं, खाने पीने से लेके मतलब ख़रीदारी आप लोग पूजा पाठ के लिए भी कर सकते हैं। और अंदर की तरफ जो है वो अभी मतलब पूजा वगैरह आरती वगैरह भी हो रहा था जो कि आप लोगों को कलश वगैरह का शुरू में ही मतलब आप लोगों को दिखाया था वही दुर्गा माता वगैरह का मतलब हो रहा है। और हम लोग यहाँ पे बाहर का सीन आप लोग देख सकते हैं कि बाहर का सीन जो है वो आप लोगों को शुरू में भी दिखा दिया था और ये रात का भी देख सकते हैं। और यदि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा तो जो अभी ये लाइट जो लाइट के पीछे यहाँ पे जो बड़े शिव जी थे वो भी आप लोगों को यदि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए तो आपको पूरा मतलब लाइटनिंग के साथ यहाँ पे रात में भी दिखेंगे दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों ब्लॉग वो आप लोगों को बताना है। और यहाँ पे देख सकते हैं मतलब अब हम लोग रात भी हो चुका है तो दोस्तों इसलिए जो है ब्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो कैसा लगा वो आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगली बार जो है अगले नेक्स्ट संडे को कहीं और का प्लान रहेगा दोस्तों, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बस हम लोग कुछ अमरजीत कहेंगे वीडियो अगर दोस्तों आप लोगों को बढ़िया लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसा सीन आप लोगों को मैं आशा कर रहा हूं कि पूरी बिहार में भी ऐसा सीन नहीं, जहां तक मुझे पता है कि अभी काम लगा हुआ है यहां पे और काम लगा हुआ है तो इतना बढ़िया सीन है। अगर काम ही कंप्लीट हो जाता है तो सोचिए कि यहां पे सीन इसका जो कि होगा चार चांद लग जाएगी। अमरजीत जी का तो यही कहना था दोस्तों, कैसा लगा और आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है। तो आज के लिए ब्लॉग जो है दोस्तों यहीं पे एंड करता हूँ, कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, थैंक यू, अलविदा।